दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं पंकज शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कैन स्टार के गैस वाटर हीटर के साथ, जिसका मॉडल नेम है हॉट जी। सो आइए, आज हम हॉट जी का जो बॉक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसको मैं आपको बॉक्स को चारों तरफ से दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के ऊपर क्या प्रिंटेड है और ये बॉक्स जो है किस तरह का दिखता है। लेट अस हैव अ लुक। हॉट जी मॉडल है ये कैन स्टार वाटर हीटर का, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बॉक्स प्रिंटेड, डूज डोंट्स एंड वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन दिस बॉक्स इज, कैन सी। सो ये बॉक्स जो है टोटली पैक्ड है अभी, तो अभी मैं आपको इस बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा एंड लेट अस सी व्हाट इज इनसाइड इन दिस बॉक्स, व्हाट एसेसरीज कंपनी इज प्रोवाइडिंग विद दिस कैन स्टार हॉट जी गैस वाटर हीटर। कौन कौन से एसेसरीज हैं इसके अंदर, क्या आएगा कार्टन के साथ अंदर बंद होके, जो कि कस्टमर जब इस कैन स्टार हॉट जी गैस वाटर हीटर को परचेज करेगा, तो कौन कौन सी एसेसरीज द कस्टमर इज गेटिंग विद दिस बॉक्स। सो लेट अस ओपन दिस बॉक्स नाउ। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं हम लोग। ओपन किया है मैंने, सेकंड साइड आई एम गोइंग टू कट इट विद द नाइफ। सो यू कैन सी हॉट जी कैन स्टार गैस वाटर हीटर, हॉट जी मॉडल, ब्यूटिफुली पैक्ड, यू कैन सी इनसाइड इट, एंड यू कैन सी द एसेसरीज ऑन द टॉप ऑफ दिस बॉक्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दीज एसेसरीज, दैट व्हाट आर दीज एसेसरीज एंड व्हाट एग्जैक्टली दे कॉल एंड वेयर दीज एसेसरीज आर इंस्टॉल्ड विद द गैस वाटर हीटर। सो लेट अस ट्राई टू पुट इट आउट फ्रॉम द बॉक्स, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एसेसरीज हैं, और ये एसेसरीज जो हैं जब हम गैस वाटर हीटर को इंस्टॉल करेंगे तो एसेसरीज कहाँ कहाँ फिट की जाएंगी। सो टीम, यू कैन सी नाउ दैट वी हैव अनबॉक्स्ड दिस कैन स्टार हॉट जी गैस वाटर हीटर, एंड एसेसरीज आई रिसीव्ड इन दिस बॉक्स आर लाइक दिस, प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन गाइड, एंड विद दिस देर इज ओनर्स मैनुअल। कस्टमर के लिए एक मैनुअल है इसके अंदर, एक प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन गाइड है किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली ये जो कैन स्टार में गैस वाटर हीटर है, इसके दो मॉडल हैं, हॉट जी और कम्फर्ट, और दोनों जो हैं वो देखने में थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हॉट जी मॉडल होगा तो उसमें इस तरह से जो नॉब्स हैं उनके बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर रहेगा, अगर ये कम्फर्ट मॉडल होता तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर रहता, और यहाँ पे लो प्रेशर रखा है, मतलब ये कंपेटिबल है विद लो वाटर प्रेशर। LPG मॉडल है इसलिए LPG लिखा है, और 6 लीटर पर मिनट इसमें हॉट वाटर आउटपुट है तो इसलिए लिखा है। और यहाँ पे इसके ऊपर आप आसानी से विजुअल कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गैस कंट्रोल नॉब है, ये देखिए गैस कंट्रोल नॉब, मिनिमम मैक्सिमम, विंटर समर का स्विच है, विंटर एंड समर, एंड देन जो है आपका वाटर कंट्रोल है, वाटर लेवल दिस साइड मैक्सिमम एंड दिस साइड मिनिमम। तो ये देख सकते हैं कि इसके 3 नॉब्स हैं जिससे आप गैस को, पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस ये LPG मॉडल है तो इसलिए LPG लिखा गया है। अगर ये PNG मॉडल होता तो इसके ऊपर यहाँ पे LPG की जगह PNG लिखा रहता। हॉट जी मॉडल है, कैन स्टार का मॉडल है, तो इसलिए हॉट जी लिखा हुआ है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटिफुली डिज़ाइंड एक चिमनी बोल सकते हैं, जिसमें से जब LPG या PNG जो होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या PNG गैस, जब इसके अंदर बर्न अप होगी तो कुछ गैसेस बनेंगी, वो गैसेस जो हैं यहाँ से बाहर निकलेंगी, तो फ्लू आउटलेट है ये यहाँ से। और यहाँ पे देखेंगे आप तो एक फ्लेम ऑब्जर्वेशन विंडो कहते हैं इसको, कि जब इसके अंदर फ्लेम बर्न अप होगी तो फ्लेम जो है यहाँ से आपको नज़र आएगी कि फ्लेम अंदर जल रही है कि नहीं जल रही है। थोड़ा सा मैं आपको इसका साइड से व्यू देना चाहूँगा, तो साइड से आप देख पाएंगे कि बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन के लिए देयर आर वेंट्स ऊपर नीचे,
और कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मॉडल का एक स्टिकर अफिक्स्ड है जिसमें हॉट जी के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है वो दी गई हैं, जैसे कि हॉट वाटर आउटपुट कितना है, 6 लीटर पर मिनट है, नॉमिनल हीट इनपुट कितना है, 10 किलोवाट है। तो इस तरह की जो टोटल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन राइट साइड एंड लेट अस सी व्हाट इज ऑन इट्स लेफ्ट साइड। सो ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस अटेंशंस एंड देयर इज वायरिंग डायग्राम एज वेल एंड कस्टमर के नंबर एज। सो यू कैन सी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट देयर इज ह्यूज वेंटिलेटिंग वेंट्स टू क्रॉस द एयर सो दैट LPG और PNG वट एवर द गैस इन साइड इज बर्निंग दैट मे गेट प्रॉपर ऑक्सीजन टू बर्न अप एंड देन सो वट आर द रेस्ट ऑफ द एसेसरीज विच आर सप्लाइड विद दिस बॉक्स। कौन कौन सी एसेसरीज हैं वो मैं आपको अभी ये जो एक पैकेट है इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लेट अस सी बाय ओपनिंग दिस पैकेट एज वेल। सो एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स की आई एम गेटिंग ओनर्स मैनुअल विद दिस बॉक्स। एक ओनर मैनुअल है मेरे पास जो मुझे मिला है इस बॉक्स के साथ, एक प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन गाइड मिली है मुझे, राइट। और देन मुझे इस तरह के ब्रास के नोजल्स और एक वॉशर भी मिली है जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम में गैस इनलेट के ऊपर अफिक्स की जाएगी। और मुझे प्लास्टिक की गिट्टी विच इज़ कॉल्ड प्लास्टिक फिशर, बेसिकली प्लास्टिक फिशर तो इसको हम बोलते हैं, प्लास्टिक की गिट्टी, दो प्लास्टिक की गिट्टी मिलेंगी इसमें मुझे एंड दो मुझे इसमें इस तरह से पेच मिलेंगे। तो ये बेसिकली जब मैं दीवार में होल करूँगा तो स्टेंशियल भी दिया है, वॉल माउंटिंग स्टेंशियल। वॉल माउंटिंग स्टेंशियल को मैं दीवार के साथ अफिक्स करूँगा और जब अफिक्स करूँगा तो मैं ड्रिल करूँगा दो पॉइंट के ऊपर, दो होल्स काफ़ी हैं। और मैं चाहूँ तो बीच में एक फासनर भी लगा सकता हूँ जब जो कि जो इंस्टॉलेशन करेगा वो अपने पास से लगा सकता है, लेकिन फासनर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये दो जो स्क्रूज दिए गए हैं इनके ऊपर अच्छे से हैंग ऑन किया जा सकता है। हैंग ऑन बेसिकली हैंग ऑन करने के लिए अगर आप देखेंगे तो बैक साइड टू इन द बैक साइड यू कैन सी कि देर आर होल्स, एक्चुअली वन होल, सेंटर होल एंड साइड होल। सो ये स्क्रूज जो है दोज विल बी फिटेड इन दीज टू होल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल एनी गैस गीजर, कैनस्टार गैस गीजर इज दैट वेदर इट इज हॉट जी, चाहे हॉट जी का मॉडल हो चाहे कम्फर्ट मॉडल हो, इट शुड बी इंस्टॉल इन प्रॉपर वेंटिलेटिंग एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वट इज़ हैपनिंग, जब ये पानी गर्म करेगा तो कुछ गैसेज जनरेट होती हैं अंदर से, तो उनको पास ऑन करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर वेंटिलेशन एरिया होना चाहिए जहाँ से गैसेज जो हैं एस्केप करेंगे, राइट। देन यू कैन सी इन द बॉटम देयर इज गैस इनलेट, वाटर आउटलेट। वाटर आउटलेट मीन्स द हॉट वाटर विल कम आउट फ्रॉम हेयर, द कोल्ड वाटर विच विल गो इन द गैस गीजर फ्रॉम हेयर एंड दिस इज PRV, दिस इज 8 bar प्रेशर कंपेटिबल PRV प्रेशर रिलीज वॉल्व, जो कि कस्टमर को कभी भी इसको हिलाना नहीं है, इसको यहाँ से डिस्टर्ब नहीं करना है, जो पोजीशन इसकी सेट करके दी है उसी पोजीशन के ऊपर रहने देना है। दिस इज़ योर चाइल्ड लॉक ऑन ऑफ करने के लिए एंड दिस इज़ योर बैटरी बॉक्स जहाँ पे वी नीड टू इंस्टर्ट 2 battery ईच 1.5 volt। सो दिस स्प्रिंग साइड इज ऑलवेज ऑफ नेगेटिव, सो प्रॉपरली हमें जो सेल हैं वो इंसर्ट करने हैं जिनका वोल्टेज जो है हर एक सेल का 1.5 volt होना चाहिए। तो टोटल 1.5 plus 1.5 3 volt का इसमें प्रॉपर जो है वोल्टेज रहेगा। और जो हम बैटरीज इसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो ओरिजिनल बैटरीज होनी चाहिए किसी भी ब्रांड के, क्योंकि इसमें प्रॉपर वोल्टेज का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहता है। जब भी मैं बैटरी बॉक्स में बैटरी इंसर्ट करूँ तो मैं कोशिश करूँ कि उन बैटरी का जो वोल्टेज है वो अपने मल्टीमीटर से चेक करूँ, मल्टीमीटर से चेक करके अश्योर करूँ कि दोनों सेल में 1.5 volt प्रॉपर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ आई एम डिस्कसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो नोजल और प्लग है, ये नोजल और प्लग जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वॉशर जो है, ये जो वॉशर है, इस वॉशर को फिट करने का
एक ही मेथड है कि ये वॉशर जो है इस तरह से ऊपर रहना चाहिए, दिस वन, इस तरह से ये वॉशर जो है ऊपर ही रहना चाहिए। हम इसको इस तरह से अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसके अंदर इसको वॉशर को लगा दूं और उसके बाद में इस तरह से नोजल को इंसर्ट करूं, तो ये रॉन्ग मेथड है। इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये वो केसेस हैं जहाँ पे जो है ये गैस का लीकेज होता रहेगा जब मैं इसको वहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और ये रॉन्ग मेथड है, और यहीं से मैक्सिमम इंस्टॉलेशन जो है गैस गीज़र में रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा जो वॉशर इंसर्ट करना है इसका हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें नोजल को प्लग के अंदर डालना है, इस तरह से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टॉलेशन में। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर ली तो ये इंस्टॉलेशन जो है मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा, जहाँ पे मेरा गैस गीज़र जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, गैस का लीकेज होगा, और दैट इज़ डेंजरस। इस तरह से, और उसके बाद मुझे इस तरह से वॉशर सबसे ऊपर डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप गैस गीज़र का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपका जो वॉशर है जो इसके अंदर इंसर्ट होना है, ये वॉशर जो है हमेशा सबसे ऊपर होना है, प्लग के अंदर नोजल, और नोजल के ऊपर सबसे ऊपर ये जो है वॉशर सबसे ऊपर रहेगा। ये यही इसका प्रॉपर इंसर्ट करने का मेथड है। यहाँ पे इस तरह से ये आपको सप्लाई भी किया जाता है कि जो वॉशर है, रबड़ वॉशर जो है, ये सबसे ऊपर रहना चाहिए, इस तरह से। तो ये इसी तरह से रहेगा। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और हैं कि जब मैं इसको, क्योंकि ये नोजल जो दिया है ये बेसिकली हमने इसके लिए दिया, गैस इनलेट के लिए दिया है ये नोजल, तो ये नोजल लगेगा कहाँ पे? जब मैं इसको वॉल के ऊपर हैंग ऑन कर दूंगा तो ये नोजल जो है यहाँ पे टाइट किया जाता है। और हमेशा गैस वाला नोजल जो है, ध्यान रखें वेरी वेरी केयरफुली, इसको वी नीड टू टाइट विद अवर हैंड्स ओनली, नो स्पैनर यूसेज इज रिक्वायर्ड, वी नीड नॉट टू यूज एनी स्पैनर, प्लीज नोट, वी नीड नॉट टू यूज एनी स्पैनर, वी नीड टू टाइट इट विद अवर हैंड्स एंड अप टू द लेवल वेयर अवर हैंड्स मेक्स इट मैक्सिमम टाइटिंग, मतलब जहाँ पे मेरे हाथ इसको मैक्सिमम टाइट कर दें वहीं पे इसको छोड़ देना है। यहाँ पे मुझे एलपीजी का जो सिलेंडर से पाइप आएगा उसको लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी गैस गीजर को इंस्टॉल करते समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोजिशन यही रहेगा, नोजल का पोजिशन सबसे ऊपर वॉशर, और उसके बाद हाथों से टाइट करना है, कोई स्पैनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पैनर से हाथ टाइट करेंगे तो वॉशर जो है कट जाएगा, देन द प्रॉब्लम ऑफ लीकेज विल स्टार्ट। सो व्हाइल इंस्टॉलिंग गैस गीजर वी नीड टू पुट 12 टू 14 इंच गैप फ्रॉम लेफ्ट साइड, 12 टू 14 इंच गैप फ्रॉम राइट साइड, एंड 12 टू 14 इंच गैप फ्रॉम अप साइड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जब इसका इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से कम 12 से 14 इंच का गैप देना है मुझे। बिल्कुल ऐसे इसको छत के साथ चिपका नहीं देना है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर मैं इधर से इसको, क्योंकि ये वेंट्स जो रखे हैं हमने ऑक्सीजन की क्रॉसिंग के लिए रखे हैं, ऑक्सीजन यहाँ से पास करेगी, एलपीजी या पीएनजी जब इसके अंदर जाएगी तो गैस को बर्नअप करने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ऑक्सीजन यहीं से जाएगी, ऑक्सीजन इस साइड, तो मुझे ये जो ऑक्सीजन के रास्ते हैं इसके ब्लॉक नहीं करने हैं। तो मैं रफली बोल रहा हूँ कि एक हाथ का गैप लेना है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से एक हाथ का गैप लेना है, छत से मतलब एक हाथ का गैप लेना है। और जो मेरा वाटर टैंक होगा, वाटर टैंक जो होगा वो इस टॉप से कम से कम 2 मीटर ऊपर होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 फीट टंकी जो है ऊपर होना चाहिए, मतलब टैंक जो है मेरा कम से कम 6 से 8 फीट यहाँ से इतनी हाइट चाहिए, तब ये गैस गीजर जो है प्रॉपरली काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इंस्टॉलेशन करते समय, जिनका हमें वी नीड टू टेक इट वेरी केयरफुली। कस्टमर केयर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर केयर नंबर जो है बॉक्सेस के ऊपर लिखे गए हैं, जिनका कस्टमर को हमेशा ध्यान रखना है, और जिसके बारे में कस्टमर को वी नीड टू मेक देम अवेयर कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉल ऑन अवर कस्टमर केयर। सो कस्टमर केयर के नंबर, व्हाट्सएप के नंबर, सब कुछ बॉक्सेस के ऊपर एफिक्स किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट कैनस्टार हॉर्जी मॉडल। इसी तरह से कैनस्टार इज़ ऑल्सो हैविंग वन मोर मॉडल, कम्फर्ट। सो कम्फर्ट मॉडल भी मैंने आपको बताया, सेम इसी तरह का रहेगा।
कुछ उसमें इंटरनल जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, लेकिन फंक्शनली सेम ऐसा है। स्विचेस से नॉब के पीछे जो उसमें बैकग्राउंड है डार्क ब्राउन रहेगा, बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, सिर्फ अंदर की जो स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है उसमें। तो ये कैनस्टार जो बॉक्स के अंदर जो चीज़ें पैक होके कस्टमर को मिलेंगी वो ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस हैं, यूज़र मैनुअल है, नॉब है, गैसकेट है, देन प्लास्टिक गिटिस हैं, स्क्रूज हैं और वॉल माउंटिंग स्टेंशल्स है, और पूरी टोटल जो इंस्टॉलेशन गाइड और सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द बॉक्स। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल है ये हॉट जी, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैं आपसे बार बार बातें कर रहा हूँ, अटेंशंस की बातें जो हैं उनको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरिंग डायग्राम दी गई है, कस्टमर केयर नंबर हैं, पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन पैकिंग है। कंपनी ने इसमें पूरा ध्यान रखा है कि किस तरह से प्रोडक्ट को सेफ कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट करना है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।